फ्रेंड्स, ये है क्रोमटन का एग्जॉस्टर फैन। मॉडल नेम है ड्रिफ्ट एयर प्लस। आज इसी के बारे में हम रिव्यू करेंगे और इसका इंस्टॉलेशन करके आपको दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मल्टीटेक चौहान। स्वागत है आप सभी का। जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और जो पहले जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, ये जो एग्जॉस्टर देख रहे हैं आप, ये क्रोमटन का है। ठीक है, इसका स्पेसिफिकेशन आपको दिखा देते हैं। देखिए, फीचर में ये सब चीज दिया गया है। बाकी आपको यहाँ पे देखिए, ये है इसका फीचर में। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और ये जो है ये इसका मेन फीचर है, और नजदीक करके दिखा देते हैं। ओके, तो इसका प्राइस जो दिख रहा है आपको 1690, ये हमें 1450 रुपये में पड़ा, यानी कि 1450 रुपये का पड़ा है। ठीक है, इसका साइज देखिए 300, स्वीप साइज 300 है। तो आइए इसे अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। आप देखिए फुली पैक है, ऐसा नहीं कि मैंने दोबारा पैक किया है, इसे एक बार भी ओपन नहीं किया गया अभी तक। ठीक है, लॉकडाउन बहुत मुश्किल से मिल रहा है, इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। पैकिंग तो लगभग अच्छा ही किया गया है, निकलेगा नहीं शायद, साथ में निकलेगा। बस यही था इसके बॉक्स में। ये है इसका इंस्टॉलेशन मैनुअल, वारंटी कार्ड, 2 इयर्स का वारंटी है। बाकी सब इसमें यहाँ पे इसका सीरियल नंबर है। ओके, अब आइए इसका प्रोडक्ट पे आते हैं। प्लास्टिक का पैकिंग है, अच्छा पैकिंग है, क्रोमटन की ब्रांडिंग मिल जाएगी यहाँ पे आपको। ठीक है, कवर है फुली, ये फुली अल्मीनियम कवर है। पीछे देखिए इसका मोटर, देखिए मोटर में कवर दिया गया है ऐसे प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि तो अच्छा, जो कि मुझे अच्छा लगा है। तो ये दोनों जो कैप है वो लुब्रिकेटिंग के लिए दिया गया है, आप इसे इजीली ओपन करके यहाँ से लुब्रिकेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो होल है यहाँ से लुब्रिकेट कर सकते हैं, यहाँ भी ये ओपन हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से भी आप इसको लुब्रिकेट कर सकते हैं, जिससे कि मोटर हमेशा फ्री घूमेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए इसका जो स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे मेंशन है, मैं बता दे रहा हूँ, ये 1350 आरपीएम का मोटर है। देखिए 1350 आरपीएम का मोटर है। ओके, 50 वाट का है, 50 वाट 1350 आरपीएम। यहाँ पे इसका सीरियल नंबर है, स्वीप 300 mm।
ठीक है, बस यही है, बाकी सब तो अच्छा है। अब ये कुछ इतना लंबा सा वायर दिया गया है, लगभग 1.5 फीट का वायर है। यहाँ पे वाइब्रेशन कम करने के लिए रबर लगाया हुआ है जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, इंस्टॉलेशन करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, फ्रेंड्स देखिए हमने इंस्टॉल कर लिया है, अभी नॉर्मली वायर के थ्रू इंस्टॉल किया है। ये सभी कॉपर वायर से फुली टाइट किया हुआ है, क्योंकि अभी ऊपर का स्पेस जो जहाँ पे होल करके लगाते हैं वहाँ पे भी स्पेस नहीं था, होल किया हुआ नहीं है, एक्चुअली होल किया हुआ नहीं है। तो बाद में अगर होल हो जाएगा ना तो उसके बाद हम आपको इसका एक और वीडियो बना कर दिखा देंगे, बट अभी फ़िलहाल ऐसे ही चलेगा कुछ दिन तक। फ्रेंड्स अब इसे हम ऑन करके दिखाते हैं और आपको इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस बताते हैं। तो इसे हमने ऑन कर लिया है, आप बिलीव कीजिए ये बहुत जल्द ही स्पीड पकड़ ले रहा है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत ये मुझे लग रही है कि ये बहुत कम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और एयर भी अच्छा खासा निकाल दे रहा है। आप फील कीजिए इसका साउंड, फील कीजिए, बहुत ही कम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, बाकी इसका जो स्वीप है 300 mm वो मुझे बहुत बेटर लगा। फ्रेंड्स मुझे जितना इसके बारे में समझ में आया मैंने आपको बताया है, अगर इसके बारे में मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बुरी लगी तो डिसलाइक करें, और ज़्यादा अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।